दो दोस्त एक बार रेगिस्तान से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में किसी बात पर कहासुनी हो गई। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जबान से थप्पड़ मारा। जिस दोस्त को थप्पड़ मारा उस दोस्त ने दिल पर चोट लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरे को जमा के थप्पड़ मारा। दोनों रेगिस्तान में चलते रहे। आगे उनको एक छोटा सा तालाब दिखा। दोनों वहां पर नहाने लगे। इतने में जिस दोस्त को थप्पड़ मारा था वो उसका पैर फिसलने से कारण वो तालाब में डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसको बचा लिया। डूबने से बचने के बाद थोड़ा ठीक होने पर उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा उसने दूसरे दोस्त से पूछा, दोस्त मैंने जब तुम्हारा दिल दुखाया तब तुमने रेत पर लिखा, अभी तुमने पत्थर पर क्यों लिखा, ऐसा क्यों हुआ? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि जब हमारा कोई दिल दुखाता तो हमें रेत पर लिख देना चाहिए ताकि माफी की हवाएं इसे आसानी से मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो इसे हमें पत्थर पर लिखना चाहिए जहाँ से कोई भी हवा इसे मिटा नहीं सकती है। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हमेशा ही यहाँ पर ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स।